के दशहरा मैदान स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में एक अनोखी चोरी का खुलासा हुआ। जहां मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो चोर खुद चोरी किया हुआ सोना बैंक में लौटा गया। बांसखेड़ी तहसील घटिया जिला उज्जैन निवासी रेनू पांडे, जो कि 3 साल पहले 30 लाख का सोना बैंक में जमा कराकर 9 लाख का लोन लिया, और जब वह ब्याज लोन चुकाने गई तो बैंक मैनेजर ने पहले तो बहुत दिन तक बैंक के चक्कर खिलाए और बाद में उसे सोने के स्थान पर नगद लेने का दबाव बनाने लगे, जिससे परेशान होकर ग्राहक रेनू ने माधवनगर थाने में बैंक मैनेजर के खिलाफ एक आवेदन दिया था और SP सचिन अतुलकर से निष्पक्ष जांच की मांग की। और जब SP ने मामले को संज्ञान में लेकर माधवनगर थाना प्रभारी राकेश मोदी को जांच के आदेश दिए तो अचानक सोमवार सुबह चोर ने बैंक की खिड़की से रेनू का सोना बैंक के अंदर ही फेंक दिया। पुलिस का मानना है कि वह बैंक का ही कोई अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है और CCTV फुटेज भी देख लिए हैं। व्यक्ति की पहचान जल्द ही की जाएगी। जो हम लोगों ने जो भी एक खुला ब्रांच खोला, तब हम मैं मेरे साथ में रवि करके हमारे सप्ताह है और एक अंकित करके सप्ताह है, हम जब तीनों अंदर आए तो अंकित ने देखा कि चेयर पे जो है वहाँ पे एक पैकेट पड़ा हुआ है, तो उसने वो खोला, वो देखा तो उसने खोलने के बाद में पाया कि उसमें वो है गोल्ड है, तो मैंने उसको बोला कि कुछ भी खोलना नहीं, इसको ऐसे रख देना है ना। तो उसके बाद में हमने फिर हमारे जोनल ऑफिस को बताया, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, और फिर पुलिस को बताया, फिर पुलिस के तहकीक चालू है। वो जो पैकेट जो है उसने वो खिड़की के माध्यम से अंदर डाला हुआ है। कोई सोना डाल के गया अंदर, कितने का कीमती होगा? वो तो 9 लाख का उसका लोन था, 12 लाख का वैल्यू था। बैंक ऑफ इंडिया में गोल्ड लोन लिया था, महिला है, रेनू नाम की महिला है, उसने गोल्ड लोन लिया था। गोल्ड लोन चुकाने के बाद वो वापस अपना गोल्ड यहाँ लेने आया, तो गोल्ड यहाँ से गायब हुआ। उसने आवेदन दिया था थाने में, उसके बाद हमने जांच करी, जांच के बाद आज ये सामने आया कि एक व्यक्ति सुबह 6 बजे के तकरीबन आया और लगभग 350 के ग्राम के लगभग सोना यहाँ खिड़की के थ्रू फेंक कर चला गया। तो अभी जाँच चल रही है, अब सामने आएगा कि वो व्यक्ति कौन था।